और दोनों तरफ यहाँ पर गांव का आबादी बना हुआ है, काफ़ी जो है घना आबादी यहाँ से ये देख सकते हैं। बिहपुर के दोमोही चौक से लेकर के जो है महंत बाबा चौक तक जो है बना हुआ है, और ये पूरे 3 किलोमीटर का जो सड़क है पूरा इसी तरह से जो है यहाँ पर ये सड़क का हल। काफ़ी सारे लोग जो है इस सड़क से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनको जो है अपने क्षेत्रीय ग्रामीण एरिया से निकल कर के जो है हाईवे तक जाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राय ब्लॉग में। मौजूद है बिहार के भागलपुर जिले में, और बिहपुर का ये 14 नंबर सड़क है जिसको कि स्टेट हाईवे हम लोग बोलते हैं, और ये स्टेट हाईवे लगभग 20 किलोमीटर का यहाँ पर ये बना हुआ है। और स्टेट हाईवे ये शुरू जो होता है महंत बाबा चौक से लेकर के ये मकनपुर तक चला जाता है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर का ये सड़क बना हुआ है। और इस सड़क का जो यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्टेट हाईवे है, बिहार सरकार के स्टेट हाईवे का जो ये स्थिति आप देखेंगे वो हम आपको जो है पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है ये 14 नंबर का सड़क स्टेट हाईवे बना हुआ है, जो कि इससे लगभग लाखों की संख्या में जो है डेली जो है लोगों का परिवहन होता है। तीन से चार किलोमीटर का ये सड़क है, बिहपुर के दोमोही चौक से लेकर के जो है महंत बाबा चौक तक जो है बना हुआ है, और ये पूरे 3 किलोमीटर का जो सड़क है पूरा इसी तरह से जो है यहाँ पर ये सड़क का हल बना हुआ है। कहीं से भी जो है ये सड़क आपको चलने लायक नहीं दिखेगा। और इधर देख सकते हैं इसी 14 नंबर सड़क से जो है यहाँ पर ये बिहपुर मार्केट की तरफ जो है रोड चला जाता है, जो कि हाल फिलहाल में जो है यहाँ के विधायक के द्वारा बनाया गया था। और ये 14 नंबर का जो स्टेट हाईवे सड़क है उसका स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है काफ़ी सारे लोग जो है इस सड़क से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनको जो है अपने क्षेत्रीय ग्रामीण एरिया से निकल कर के जो है हाईवे तक जाना होता है, NH 31 को जो है पहुँचना होता है, वो इसी स्टेट हाईवे से जो है NH 31 तक पहुँचते हैं, जिसमें कि जो है आगे का सफ़र उनका जो है तय होता है। लेकिन जो है इस स्टेट हाईवे को पार करने में जो है आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर देख सकते हैं ये सड़क का जो स्थिति है, ये इसी प्रकार से जो है अनवरत आगे तक जो है बना हुआ है, जो कि कहीं से भी जो है चलने लायक नहीं दिख रहा है। और सारे लोगों को जो है इसमें काफ़ी समय का जो है यहाँ पर नुकसान होता है, जो कि इस सड़क से जो गुजरते हैं। तो ये बिहार का जो है स्टेट हाईवे है, 14 नंबर सड़क है इसको कहा जाता है, और किस प्रकार से जो है आदमी को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है इस सड़क पर चलने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है ये देखना चाहिए, और संबंधित अधिकारी को जो है ज़रूर निर्देश देना चाहिए कि जो है वो स्टेट हाईवे के देखरेख को जो है बखूबी जो है पूरा करें, और उसको जो है दुरुस्त रखा जाए, ताकि जो है पब्लिक को आने जाने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। देख सकते हैं बड़ी बड़ी वाहनों को, छोटे मोटे साइकिल मोटरसाइकिल पैदल यात्री सारे का जो है यहाँ पर इस स्टेट हाईवे से गुजरना होता है। काफ़ी दयनीय स्थिति जो है यहाँ का ये सड़क बना हुआ है। तो आगे चलते हैं और आपको जो है बाइक से हम लेकर के चलते हैं, और पूरे सड़क को जो है दिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इधर देख सकते हैं ये अनवरत जो है इसी प्रकार का यहाँ पर ये सड़क बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है कंटिन्यूअस जो है सड़क आपको इसी तरह से मिलेगा, और दोनों तरफ यहाँ पर गांव का आबादी बना हुआ है, काफ़ी जो है घना आबादी यहाँ से ये देख सकते हैं। ये सड़क का जो है यहाँ पर स्थिति है, कहीं से भी जो है ये आपको सड़क चलने लायक नहीं दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेट हाईवे का जो है ये स्थिति है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।